नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारी इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, एक करने वाले हैं हम न्यू हॉलैंड 3030 के बारे में। तो फ्रेंड्स से सर बात करते हैं और बाद में इसके ओनर से रिव्यू लेंगे। तो दोस्तों, कंपनी की तरफ से इसमें वेट दिया गया है जो कि 50 kg का है और फ्रंट में ही जाली दी गई है ताकि इंजन को हवा लग सके पंखे के जरिए। तो फ्रंट में इसके हैलोजन बल्ब हैं, देखिए, जो कि रात को बहुत ही ज़बरदस्त रोशनी प्रदान करते हैं ताकि रात को काम करते वक्त कोई परेशानी ना हो। और ये जो आगे का जो बम्पर है, ये हमारे किसान भाई ने बाद में लगवाया था और ये कंपनी के द्वारा वेट दिया गया था। तो ये इसका एयर कैलेंडर है, तेल में डूबा हुआ एयर कैलेंडर है। और दोस्तों, आपको कहेंगे ये 2007 मॉडल ट्रैक्टर है। और बात करें इसके फ्रंट टायर साइज के बारे में, 6/16 के फ्रंट टायर हैं। और इसके रियर टायर के बारे में बात करें तो इसके 13/6/28 के टायर हैं। और साथ ही इसमें पीछे जो रिम है इस पर वेट दिया गया है जिसका वेट लगभग 80 kg है। दोनों और 80 kg वेट दिया गया है, टोटल 160 kg वेट हो गया इसका। ये देखिए न्यू हॉलैंड की ब्रांडिंग और फोर्ड की भी साथ में। 3 सिलेंडर में ये ट्रैक्टर है और इसमें बोश कंपनी का डीजल पंप दिया गया है दोस्तों। और बात करें इसकी स्टेयरिंग के बारे में, मैकेनिकल स्टेयरिंग है जिसे हम सादा स्टेयरिंग कहते हैं। ये इसका एग्जॉस्ट है। और बात करें इसकी जो डीजल टैंक है उसकी कैपेसिटी की, इसकी जो डीजल कैपेसिटी है 35 लीटर की है और इसकी जो टैंक है ये फाइबर में है। इस फाइबर का ये फ़ायदा है, इसमें भाफ और भाफ पानी वगैरह नहीं बनता। तो चलिए इसके पायदान के बाद, ये इसके पायदान दिए गए हैं। और बात करें इसके ट्रांसमिशन की, जो बीच में शिफ्टेड है, बाकी ये इसका जो मॉडिफिकेशन इस हिसाब से है कि साइड में शिफ्ट गए रहे हैं। ये इसका कुछ मीटर इस प्रकार होने वाला है, ये इसका मोबिल का और ये इसका जो डीजल का गेज है और ये इसका टेम्परेचर का, ये जो ट्रैक्टर जितने घंटे चला है उसका है और ये आरपीएम मीटर है। दोस्तों, ये स्टेयरिंग है इस प्रकार। और इसमें दो टाइप के गियर हैं, एक लो और एक हाई। 4 फ्रंट में और एक बैक में गियर है। इस पे लिफ्ट कंट्रोल होने वाले हैं। ये इसका टूल बॉक्स, ये इसका पीटीओ के लीवर, तो दोस्तों जो हमारे किसान भाई हैं, खाद बिजाई की मशीन जोट रखी है। और बात करें इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की, जो कि 1200 kg इसकी लिफ्ट उठाने की क्षमता है। ये इसका बोतल होल्डर दिया गया है और ये इसे पीछे की लाइट के लिए मैनेजमेंट कर रखा है। देखो पीछे। और दोस्तों, इसमें ऑटोमेटिक लिफ्ट कंट्रोल है जो कि बटन से चलता है। और ये इसके पीछे लाइट लगाई गई है जो कि रात में बहुत काम आती है। और बात करें इसके ब्रेकिंग सिस्टम की, तेल में डूबे हुए ब्रेक हैं जो कि ट्रैक्टर को कंट्रोल करने का, बहुत ही बढ़िया कंट्रोल करने का काम करता है। ये माइक्रो कंपनी का अल्टरनेटर है दोस्तों, ये हाइड्रोलिक के लिए। ये इसका ब्रेकिंग सिस्टम, ये इसका हैंड ब्रेक है, ये इसकी इस प्रकार चाबी होने वाली है, ये इंडिकेटर, ये लाइट स्विच, ये हो रहा है। बात करें इसकी इंजन पावर की, 35 HP में है। तो बात
तो इसके ओनर से बात करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो चलिए, नमस्कार जी। नमस्ते भाई, महेश कन्यार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमारे यहाँ आपने विजिट किया। तो भाई साहब, आपका शुभ नाम बताओ। मेरा नाम है जी अनुज कुमार। भाई साहब, आपने ये ट्रैक्टर कब लिया था? मेरा जी ये 3-4 साल हो गए मेरे पास अभी। अच्छा, ये मॉडल कितने का? ये 2009 मॉडल है। तो मतलब कि भाई साहब, आपने पुराना लिया था ये? हाँ, मैंने चलो लिया था ये पुराना सेकंड हैंड। उस टाइम पर तो आपने जब ये ट्रैक्टर लिया, जब कितने रुपए का लिया था ये? मैंने लिया था जी 2.5 लाख का। 2.5 लाख का? 2 साल पहले? 3 साल समथिंग। 3 साल पहले आपने ये 2.5 लाख का ट्रैक्टर लिया था। तो भाई साहब, आपका ये पहला ट्रैक्टर है या फिर इससे पहले आप? नहीं, मेरा पहला ही ट्रैक्टर है। तो दोस्तों, ये हमारे जो युवा किसान भाई हैं और ये खेती करते हैं, और मैंने इसकी परफॉर्मेंस देख के लिया ये। अच्छा जी, तो हमें कुछ और बताओ इसके पावर और परफॉर्मेंस के बारे में कुछ। बोल रहे थे महिंद्रा पैसर लो, उससे बेटर है, उससे बढ़िया है। उससे बढ़िया। तो आप ये जो क्या कर रहे हैं आज, जो आपने जो मशीन जोड़ रखी है, किस चीज की? अभी मैंने गेहूं की खाद बिजाई की है। अच्छा, तैयार किया। तो इसमें माइलेज कितना निकल के आ जाता भाई साहब? 2.5 लीटर समथिंग। आप जो हैरो होते हैं वो कितने के जोड़ते हैं? इसके जोड़ता हूँ जी मैं 14 तवा हैरो। और कल्टीवेटर? 9.5। तो भाई साहब, आप इस ट्रैक्टर को में जो कमियां हैं वो भी बता दो कुछ। मतलब कि ये तो होता नहीं कोई, सारी की सारी खूबियाँ होती हैं, इससे बढ़िया आपसे बढ़िया कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आप ट्रैक्टर रखते हुए मुझे तो 3 साल हुए हैं, मुझे तो कोई कमी नज़र आई नहीं। जो मेरे और किसान भाई हैं उनसे पूछने से ये पता लगा कि इसमें पीछे वेट कम है। ये तो है, फिर वो दे रखा ना साइड में टायर पे दे रखा, जो आगे इंजन का वेट बिल्कुल हल्का। ये वेट है, ये दे रखा ना फिर। अच्छा, कंपनी ने इसकी कमी पूरी करने के लिए ये जो वेट लगाया लगा रखा है ताकि मेंटेन हो सके इसका वजन। तो मतलब हम कह सकते हैं कि भैया आप इस ट्रैक्टर से बिल्कुल। हाँ मैं जी बिल्कुल। तो भाई साहब, एक बात हमें यह समझ में आई कि जो फोर्ड नाम अब नहीं आ रहा है ट्रैक्टर पे, ये पहले उसने शौक के लिए लिखवाया होगा, या तो मुझे भी इससे ज्यादा नॉलेज नहीं है। पहले मालिक था इसका, फर्स्ट ओनर था वो, उसने शौक के लिए लिखवाया होगा या तो। अच्छा, फोर्ड ट्रैक्टर के शौकीन होंगे शायद उन्होंने ही। हाँ लिखवाया, उनके पास पहले भी फोर्ड का ही था 3600 का। तो बात करें इसकी जो रोड पर जो चाल होती वो कितनी? वो जबरदस्त है, रोड पे चाल जबरदस्त है इसकी ना। समथिंग कितनी होगी? होगी 30 से 35? 35 की समथिंग होगी आराम से। मतलब कह सकते हैं 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है इसकी चाल। और जो आप ये बिजाई की है दोस्तों, हमने ये वीडियो में ही डाल देंगे, आपको स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप इस ट्रैक्टर को बेचना चाहोगे? देखो जी, मेरा तो ऐसा कोई इरादा है नहीं। मतलब कि आप इस ट्रैक्टर से बिल्कुल खुश हैं? बिल्कुल खुश हूँ, इसी को रखूँगा तब तक, मैं रहा खेती करूँगा तब तक। और भाई साहब, मैं पता नहीं, हमारे जो युवा किसान भाई हैं उनकी बहुत ही बढ़िया सोच है कि इस ट्रैक्टर को हमेशा रखूँगा, चाहे मुझे कोई भविष्य में बड़ा ट्रैक्टर लाना पड़े तो भी इसको रखूँ। इसको रखें भाई साहब। आप खेती वगैरह कितने किले की करते हो, कितने एकड़ की करते हो? रखते हैं जी 30 किले की समथिंग। किराए पर भी करते हो, जैसे कि आपने जो दोस्तों, ये हमारे किसान भाई थे, इन्होंने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस ट्रैक्टर को स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद,
जय हिंद, जय भारत।